हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम चला रहे हैं हमारी फेवरेट हुंडई i20 लॉस सैंटोस में। तो भाई पहले तो आप बताना आपको i20 पसंद है कि नहीं। मेरी तो फेवरेट हैचबैक है, प्रीमियम हैचबैक है भाई i20। तो भाई इसलिए हम थोड़े एक्साइटेड इस वीडियो के लिए। तो आज हम करने वाले इसके साथ ओवर ड्राइविंग, फिर थोड़ी सी हम इसको ऑफ रोडिंग करेंगे और थोड़े से हम इसको गाँव वाले रास्ते में चलाएंगे। विलेज एरिया है जो लॉस सैंटोस में, मतलब लॉस सैंटोस के बाहर। तो बस शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आप बताओ, आप कैसे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी चलो, इंस्टा पे आप हमसे बातें कर सकते हो, कुछ भी हो आप, लिंक है, हम आप सबको रिप्लाई देते हैं। तो भाई ये मेरा फेवरेट कलर है i20 का। आप बताओ आपको i20 आपकी फेवरेट प्रीमियम हैचबैक कौन सी है, मुझे कमेंट में बता दो। तो भाई अभी निकलता है इसको अपन पार्किंग से लेके बाहर। ऊबर ऐप कर दिया है ऑन, पहला कस्टमर अपना 300 मीटर पे, बढ़िया सा भाई। आज लॉस सैंटोस में हो रही है थोड़ी सी सुबह टाइप्स, आज हो रहा है संडे दोस्तों। तो हमने सोचा आज संडे को आपके लिए प्यारी सी वीडियो बनाई जाए, और i20 से अच्छी क्या ही बना सकता हूँ मैं वीडियो। तो अपना पहला कस्टमर वो राइट में है जो अभी जंप किया, बट वो आ नहीं रहा गाड़ी की तरफ, क्यों मुझे नहीं पता। आई थिंक थोड़ा आगे लेता। बाकी आप बताओ दोस्तों, आप कौन सी गाड़ी देखना पसंद करोगे कमेंट करके बता दो। बाकी हम तब तक आपके लिए इंतज़ाम करेंगे गाड़ी का। भाई कहाँ से बैठोगे, पीछे है ना दरवाज़ा। भाई इनको मालूम नहीं पड़ता पीछे भी एक दरवाज़ा, हर बार आगे क्यों बैठना है ड्राइवर की सीट पर। तो गाड़ी घुमा लेते हैं इसके लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये सुबह सुबह ऐसा क्यों लग रहा है पी के आया बंदा। ठीक है भाई, रात को चढ़ गई है इस बंदे को थोड़ी ज़्यादा। चलो इनको जाना है 9.4 किलोमीटर्स। हेलो 9.4, मतलब ये पक्का सिटी से गाँव जा रहे हैं। तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाएगी, और हम इसको माउंट चिलियट पर भी ले जाने वाले हैं, और इसके बाद इसका क्रैश टेस्ट भी होगा। तो बढ़ते हैं भाई, आप बताओ आपको ये मौसम कैसा लग रहा है। ये थोड़ी मॉर्निंग टाइम रखा है हमने जिसमें सन आ रहा है। ओ भाई ओ भाई, दोस्तों इस गाड़ी में एक दिक्कत है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये गाड़ी बहुत लाइट है, मुझे नहीं पता क्यों। और इस मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ख़रीदना है तो। गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे हिसाब से, ये घूमती है लाइक। मेरे को एक डर है कि ये गाड़ी का ये रोल ऑफ नहीं हो जाए। तो बढ़ते हैं 9 किलोमीटर्स दोस्तों, ये बड़ा ही ज़्यादा अच्छा सफ़र होने वाला है। ओ भाई क्या लग रही है i20 भाई, i20 का रोड प्रेजेंस बहुत प्यारा है। आप बताना आपको अच्छी लगती है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे 9 किलोमीटर्स बहुत जल्दी ख़त्म करते, इसलिए हम भगा रहे फुल स्पीड में 100 के ऊपर। बाकी हम सिग्नल फॉलो नहीं करते बिकॉज हम टाइम से लेट हो जाते तो हमको पैसा नहीं मिलता दोस्तों, ये तो आपको भी पता है। ओ भाई 130 पे चला रहे फिलहाल, 5वें गियर पे। थोड़ी सी ब्रेक दोस्तों, ट्रैफिक में उड़ा तो नहीं सकते लोगों को। अच्छा यहाँ से इनका हाईवे का कट है। ओ भाई अभी टैक्सी वाले ने उड़ा दिया होता, यहाँ से लेते कट और फिर है हमारा फेवरेट हाईवे। हाईवे पे गाड़ी के टेस्ट भी हो जाएंगे स्टेबिलिटी वाली, और मस्त 200 पे भगा सकते हैं। 200 तो नहीं जाएगी पता नहीं अब, ठीक है 130 अब तक की मैक्स है। ओके 135 क्रॉस करेगी, ठीक है भाई 140 143। ओके टॉप स्पीड देख लेते भाई i20 की। भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट है इसका स्टीयरिंग व्हील, देख रहे हो आप गाड़ी राइट से उठ रही है, तो ये दिक्कत होने वाली है इस गाड़ी के साथ। थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग रही है बिकॉज तो वेट कुछ ज़्यादा ही लाइट है, बट आप बताओ आपको हाईवे राइड अच्छी लगती है क्या, मतलब हाईवे ड्राइव अच्छी लगती है। तो हम और हाईवे पे ओवर ड्राइविंग करेंगे दोस्तों। फुल भाई 150 टच हो गई, हेलो 155। अच्छा तो वहाँ पे स्पीडोमीटर में 100 ही लिखा है टॉप स्पीड। भाई ये ऐसा चलाता है ना जब हाईवे पे लोग, हमको जाने दो फ्रेंड्स, हमको थोड़ी जल्दी है। देख रहे हो कितने जल्दी हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया, अब 4.7 बाकी है। अरे राइट में व्यू अच्छा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लिख दो हाईवे 1 2 3 4, तो हम समझ जाएंगे आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। ओ
ओके, मुझे लगा यहाँ से ऊपर जाना है, बट ठीक है, थोड़ा कट भी हो गया और ऑफ रोड वाला सीन भी हो गया। भाई इतनी रेती कहाँ से उड़ रही है, धूल कहाँ से आ रही है हाईवे पर? भाई वो पीछे वाले गाड़ी ने किसी को ठोका, कोई जानवर था, आई थिंक सम एनिमल और समथिंग। जाना है 3 किलोमीटर भाई, जिस स्पीड से डिस्टेंस कम होते जा रहे भाई। 167, मैंने स्पीड पे ध्यान नहीं दिया, अभी देखा मैंने। ओ भाई भाई, इस गाड़ी के साथ है ना हाई स्पीड पे टर्न लेने में वो लग रहा है मुझे डर, क्योंकि ये दो मेरे को लगता है गाड़ी होने वाली है, क्या बोलते हैं भाई, ये बंदे की फट रही अंदर जो बैठा है भाई, बोल रहे बंदे रेस कर रहे हो क्या, स्लो जाओ भाई। 170 पे सोचो, आपने ऊबर मंगवाई ठीक है, आपको हाईवे क्रॉस करना है और वो बंदा 180 पे चला रहा है। भाई 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 देखा, यही दिक्कत है गाड़ी में, बता रहा था ना कि इसका वेट थोड़ा सा कम है, तो हाई स्पीड पे हम टर्न नहीं ले सकते। हम शायद रास्ता भी वो कर चुके हैं, आई थिंक एक टर्न भूल चुके हैं। सो हम यहाँ आगे से लेते हैं राइट, सॉरी लेफ्ट। ओके, ये ले लिया हमने यहाँ से लेफ्ट। चलो अब हो गया डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, ये हुई ना बात, भगाते हैं। इट्स टाइम टू गो। भाई हम थोड़ी सी ड्रिफ्ट करने की कोशिश क्या की है, बट ये क्या ही हो गया हमारी गाड़ी के साथ। ठीक है यार, थोड़ी सी दिक्कत है, गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लाइट मोड है, लाइट वेट नहीं है गाड़ी में, तो ठीक है, थोड़ी सी खरोच आ गई है, बट अच्छी तरह से रोल ऑफ हो गई। तो दोस्तों हमें ध्यान से चलाना होगा, ड्रिफ्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी के साथ। मैंने वहाँ पे ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की, वो देख रहे हो लेफ्ट से भी अभी भी उठ रही है, मतलब आप शार्प कॉर्नरिंग नहीं कर सकते इसके साथ। अभी मैं बता रहा था भाई यार, ऐसा नहीं होता असली गाड़ी में, आपको भी पता है, ये थोड़ा सा कुछ इशू है मोड़ के साथ। ठीक है तो इनको आ गया, बस 800 मीटर जाना है यार, हम इनको पहुँचाते हैं भाई। 9 किलोमीटर जाने, अच्छा खासा पैसा मिला होगा हमें, अच्छा खासा, समझ रहे हो। भाई 800 मीटर कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे नहीं लगा था 800 मीटर इतना टाइम लगता है। ये आ गया इनका फाइनल डेस्टिनेशन, इनके साथ हो ही गया था स्कैम फाइनल। अरे 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 भाई भाई भाई, एक और तीसरी बार हुआ है भाई ये। अगर दोस्तों आपने वीडियो याद तक देखा है तो लिख दो थर्ड टाइम 1 2 3 4। भाई ये मेरे पे शूट क्यों कर रहे हैं बंदे, कितना पैसा दिया, $80। ठीक है भाई भागो, यहाँ पे तो शूटिंग वूटिंग हो रही भाई, इनको मैंने मेरी गाड़ी रोल ऑफ करवाई, इन लोग शूट करने लग गए। तो दोस्तों ऊबर ड्राइविंग खत्म हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ रोड पर चलाते और फिर हम ले जाते हैं इसको माउंट चिलियार्ड पे, हम इसके साथ करेंगे ऑफ रोडिंग और क्रैश टेस्ट। तो ये थोड़ा सा देखते हैं ऑफ रोड पर कैसे चल, थोड़ी सी कच्चे रास्तों पर कैसे चल रही है अपनी i20। चल तो बढ़िया रही है, बस थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, इंटीरियर बहुत प्रीमियम है i20 का। बस ठीक है, अब बढ़ता है ऑफ रोड की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इसको माउंट चिलियार्ड पे लेके, और हम करने वाले हैं इसके साथ ऑफ रोडिंग और एक क्रैश टेस्ट। ठीक है तो भाई i20 फर्स्ट क्यों, ये मुझे नहीं पता, बहुत लाइट है गाड़ी तो उस हिसाब से ये इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है भाई। i20 के लुक्स है ना भाई, मेरे को नहीं लगता कोई भी प्रीमियम हैचबैक इसको मैच कर सकती है, और अब तो इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। ठीक है तो प्यारा सा हम इसको देखते ऑफ रोडिंग में कैसी चलती है। एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये सारी गाड़ी फ्रंट व्हील बनाते हैं हुंडई वाले, ठीक है इसलिए ये दिक्कत हो रही थोड़ी सी चढ़ने में। अरे हेलो, ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस गई है दोस्तों, थोड़ा सा हैक यूज़ करते हैं हम। भाई देखो गाड़ी का वेट तो है नहीं और पावर भी ठीक है, अच्छा खासा, हम 160-170 पे भगा रहे थे, उस हिसाब से ऑफ रोडिंग हो जानी चाहिए थी, बट पता नहीं वहाँ पे गाड़ी फंसी क्यों, तो हम ऐसे स्टार्ट करते। तो भाई हम आ गए इसको माउंट चिलियार्ड पे लेके, और हम करने वाले इसके साथ अब ऑफ रोडिंग और क्रैश टेस्ट, तो देखते हैं। ओके यार अच्छे से चढ़ गई, ये वाला जो स्टीप है ये अच्छे से चढ़ गई गाड़ी, तो मुझे नहीं पता नीचे क्या होता। ओह भाई ये जो मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, भाई बहुत प्यारा लग रहा है। अब बताओ आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके बताओ, लाइक कमेंट कर दो
वीडियो 1, 2, 3, 4 और वीडियो के बारे में कोई भी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, लाइक फीडबैक देना हो, रिव्यू देना हो, कुछ बदलना हो वीडियो में तब बता सकते हो। अब करते हैं इसका क्रैश टेस्ट और देखते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करती है। दिक्कत ये है कि ये गाड़ी भी लाइट वेट है, जैसा लास्ट टाइम हुआ था जो लाइट वेट गाड़ी थी ना वो फट गई थी। तो आई होप ये गाड़ी भी फट गई दोस्तों। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जितनी मॉड आपका लाइट होगा उस हिसाब से गाड़ी ब्लास्ट होती है, और वो जिस तो आई थिंक ये एक थोड़ी सी दिक्कत है GTA 5 में। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो देख दो क्रैश टेस्ट 1, 2, 3, 4। और बस दोस्तों ये मेरी अब तक की फेवरेट गाड़ी है, तो आप कमेंट करके बता दो आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी, फेवरेट 1, 2, 3, 4, ताकि मैं समझ जाऊँगा आपने वीडियो एंड तक देखा है और आपको एक अच्छा सा रिप्लाई मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, लाइक का बटन दबा दो। चलो थैंक यू, बाय, टाटा, गुड नाइट।